जीसस श्राइन भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पूजा को लेकर मनरेगा भवन के सभागार में सोमवार को शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित SDPO ओम प्रकाश ने कहा कि पूजा समितियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन एवं प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अनदेखी करने पर समिति के जवाबदेह पदाधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान कहीं भी मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य किसी प्रकार का मनोरंजन का कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाकपा अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान ने प्रशासन से मांग की कि जिस तरह पर्व त्योहार में शांति समिति बैठक का आयोजन किया जाता है, उसी तरह सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए पंचायतवार हरेक माह शांति समिति का बैठक किया जाए। उक्त मौके पर CEO वीना भारती, नवनिर्वाचित जिला पार्षद सदस्य दिनेश चौरसिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य रामस्वार्थ शाह, जदयू नेता सुनील कुमार राय, भाजपा नेता अशोक सिंह, भाकपा अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष यशवंत चौधरी, पूर्व प्रमुख लाल बाबू पासवान, नवनिर्वाचित मुखिया शिवशंकर महतो, राजेश कुमार, पूर्व मुखिया बनारसी सहनी, इंद्रदेव राय, विद्यांशु राय सहित अन्य लोग मौजूद थे। BNP News के लिए भगवानपुर से संवाददाता बम कुमार की रिपोर्ट।